बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर 5। इसको अभी हमने क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के तरीके की मदद से हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ये माइनस वन था, उधर हम माइनस वन कर लेंगे, क्योंकि हमने वेरिएबल्स जो होते हैं एक्स वाई वो लेफ्ट हैंड साइड रखने पड़ते हैं, बाकी कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यू होती है वो हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो इधर 2x-5y आ जाएगा, तो इधर 2-2 था इक्वल के राइट हैंड साइड 2 हो जाएगा। तो इधर हम सबसे पहले इनको इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, बना लेते हैं इनके मैट्रिक्स फॉर्म। तो 1, 1, 2-1, इधर एक्स इधर वाई, ये किधर से आए, ये मैट्रिक्स हमारी किधर से बनी है, इधर से बनी है। एक्स के साथ 1 था इधर लिख दिया, वाई के साथ 1 था इधर, 2 इधर एक्स से निकाला है, इधर -1 वाई से निकला है ये वाला। तो एक्स वाई अलग हो गया, तो -1 और 2 ये कॉन्स्टेंट अलग हो गए। तो इसको ए का नाम दे दिया, इसको एक्स एक्स का और इसको बी का। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, क्योंकि हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें कैपिटल एक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगी। तो दूसरी हमारी जो क्वेश्चन जिसको हम मसावात कहते हैं, वो आ जाएगी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट एडजेंट ऑफ ए ओवर ए मॉड ए में डिटर्मिनेंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका जो प्रोडक्ट जो इसका रिजल्ट आएगा वो हम इसके साथ बी के साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी। तो ए इनवर्स के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए, एक तो हमें मॉड फाइंड करना है, अगर हमारा मॉड नॉन सिंगल आ रहा है तो फिर हमें एडजेंट भी फाइंड करना पड़ता है, तो जाके फिर हमारा इनवर्स का सोल्यूशन आता है। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, वो क्या आती है, 1, 1, 2-1 क्या आएगी, -1, -2 इज इक्वल टू -3। ये हमारी डिटर्मिनेंट जो आई है ए मैग्नीट्यूड मॉड की, वो -3 है। तो एडजेंट ए हमने कैसे फाइंड करना है, एडजेंट ए इज इक्वल टू एडजेंट ए कैसे आया है हमारे पास, एडजेंट में करना है जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशंस को हम चेंज कर देते हैं, और बाकी जो एंट्रीज होती हैं उनकी अलामतें जिनको हम सिंबल्स बोलते हैं वो चेंज कर लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स में ये हमारा माइनस इधर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, -1 ऊपर और 1 नीचे, इनकी जगह तब्दील हुई है। तो ये वाला जो बाकी एलिमेंट्स हैं इनकी जगह नहीं तब्दील कर रहे बल्कि इनके सिंबल्स चेंज कर रहे हैं, तो मैंने चेंज कर दिए, देख लें आप। तो ये हमारा एडजेंट आ गया। उसके बाद हमने इनवर्स का फार्मूला यूज़ करना है, एडजेंट ए और ए मॉड, क्योंकि हमारे पास ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड थी, तो हमने सॉल्व की हैं तो हमारा रिजल्ट आ गया, तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो -1, -1, -2, 1 डिवाइडेड बाई मॉड, हमारे पास -3 आया था तो ये लिख लिया। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, ये जो -3 है सब पे डिवाइड होगा, तो -1/-3, 1/3, -1/-1/3, तो ये भी 1/3 आ जाएगा, -2/3, माइनस माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, तो ये -1/3 आ जाएगा। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गए। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के साथ हमें ए इनवर्स बी को की प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड होगी। तो लेट्स सी, हम इसकी प्रोडक्ट लेते हैं ए इनवर्स बी की। हमारे पास इनवर्स तो ये आ गया, तो इस इनवर्स को हमने बी के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो 1/3, 1/3, 2/3, -1/3, ये जो हमारी मैट्रिक्स है ए इनवर्स की, इसका प्रोडक्ट लेना है हमें मैट्रिक्स बी के साथ, बी मैट्रिक्स हमारी -1 और 2 है।
तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1/3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस फार्मूले का 1/3/2। नेक्स्ट 2/3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस फार्मूले का -1/3 मल्टीप्लाई बाई टू। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं? -1/3 प्लस 2/3, तो ये आ जाएगी -2/3 -2/3। रिजल्ट हमारे पास आ गया है 1/3, ये भी हमारा -4/3। ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है 1/3 -4/3, ये बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यूज है। ये एक्स बड़ा कैपिटल एक्स है, तो ये एक्स इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू 1/3, वाई इज इक्वल टू -4/3। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। तो नेक्स्ट, ये तो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड निकाला है। मेथड इन्वर्जन मेथड का फार्मूला मैंने इधर लिखा हुआ था, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो आप वीडियो के स्टार्ट में देखना हो, यहाँ पे लिखा होगा, तो वो चीज़ मैंने फाइंड की है। तो ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। नेक्स्ट हम क्रैमर रूल इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, सेम आता है या कुछ और आता है। इसी क्वेश्चन को मैं क्रैमर रूल की मदद से हल करता हूँ। तो क्रैमर रूल में भी हमें ए मार्क की ज़रूरत होती है, तो ये बाई क्रैमर रूल है। आप यहाँ पे लिख लिया करें, मैं बाज़ औक़ात लिख नहीं लिखता। आप जब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है तो आप यहाँ पे वो लिख लें, जब क्रैमर रूल है तो आप ये लिख लें। तो उर्दू मीडियम वाले बाई क्रैमर रूल के मुताबिक लिख लें, जब क्रैमर रूल है तो, जब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है तो वो माकूस कॉलम लिख सकते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट हमें चाहिए क्रैमर रूल में भी, तो हम ए का एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। क्या आती है, तो क्या आएगी? -1 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस फार्मूले का 2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास -3 आ गया। इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट सिंगुलर आई है हमारी डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट जो है, ये जो हमारा ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम होता है वो नहीं लिखना, बल्कि उसकी जगह हमने रिप्लेस कर देना है -1/2। दूसरा कॉलम हमने वही लिख देना है। इसकी डिटर्मिनेंट लेने को आती है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 मल्टीप्लाई -1 1 -4 का 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इजल टू -2/, डिटर्मिनेंट हमारी -3 आई थी, तो ये हमारा रिजल्ट 1/3 आ जाएगा। -1/3 -1 -3, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमने वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसमें क्या करना है, ये जो वर्टिकली बार मैंने डाल दी है, ये इसकी डिटर्मिनेंट को शो करती है। इसमें फर्स्ट कॉलम ए मैट्रिक्स का उसी तरह रखना है, और सेकंड कॉलम की जगह हमें रिप्लेस कर देना है बी कॉलम। तो इसकी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, क्या आती है, 2/2 -+ 2/2 बाय -3, तो ये हमारा -4/3 आ जाएगा रिजल्ट। तो चेक करें कि दोनों की डिटरमिनेंट हमारी सेम आई है, दोनों का सोल्यूशन हमारा सेम आ रहा है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड निकालें या फिर क्रैमर रूल की मदद से क्वेश्चन को हल करें तो हमारा सोल्यूशन इक्वल आएगा, सोल्यूशन हमारा बराबर होगा। तो बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद सॉल्व करें। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। तो इसी के साथ अगर आपको मेरा ये
बनाई गई वीडियोज़ पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक बसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच।